हाय गाइस, मायसेल्फ अनामिका मिश्रा। आज मैं आप लोग को ट्रांसफार्मर पढ़ाऊंगी। जब आप सेकेंड ईयर में जाते हैं, यानी आपका थर्ड सेमेस्टर शुरू होता है, तो थर्ड सेमेस्टर में हमारा मशीन जो होता है वो एक बहुत ही बड़ा टॉपिक होता है। मशीन को हम कवर करने के लिए फर्स्ट ईयर में हम BEE यानी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं। तो हम थर्ड सेमेस्टर में मशीन की स्टडी करते हैं, और मशीन जो होता है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ट्रांसफार्मर, जहाँ से आज हम स्टार्ट करेंगे। तो मैं पहले ये बता दूँ कि ट्रांसफार्मर में आज आप क्या क्या पढ़ेंगे। आज मैं आपको ट्रांसफार्मर में इंट्रोडक्शन दूँगी, ट्रांसफार्मर क्या होता है, किसने खोज की, किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। नेक्स्ट हम आपको कंस्ट्रक्शन बताएंगे कि कंस्ट्रक्शन उसकी कैसी होती है, किस तरह से हम उसे डिज़ाइन करते हैं। उसके बाद उसके यूजर्स बताएंगे। किसी भी चीज़ को अगर हम पढ़ते हैं तो हमें यूजर्स नॉर्मली पता होना चाहिए, तो हम उसके बाद आपको यूजर्स बताएंगे, ठीक है। तो हम आज का टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं ट्रांसफार्मर। सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन देखिए, 1830 सेंचुरी जब चल रही थी, 1830 में माइकल फैराडे नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ट्रांसफार्मर की खोज की। इन्होंने बताया कि ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। इसीलिए ट्रांसफार्मर, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, तो ट्रांसफार्मर जो होता है वो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है। ये 1830 में माइकल फैराडे ने बताया कि ट्रांसफार्मर जो होता है वो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करता है। क्योंकि जो खोजता है इसलिए उसका नाम वेरिएंट दिया जाता है, तो इनका नाम फैराडे था, इसीलिए इस लॉ का नाम भी हमने फैराडेज लॉ रखा, ठीक है। अब बात ये आती है कि ट्रांसफार्मर होता क्या है, हम किस तरह से इसका यूज़ करते हैं, या फिर हमारी इलेक्ट्रिसिटी चलने में जो भी हमारे पावर सिस्टम्स हैं उसमें ट्रांसफार्मर का यूज़ क्या है। तो हम आपको बताते हैं कि ट्रांसफार्मर जो होता है वो एक स्टैटिक डिवाइस होता है। कैसा डिवाइस होता है? स्टैटिक। स्टैटिक डिवाइस क्यों होता है? स्टैटिक मतलब होता है स्थैतिक। अगर हम हिंदी में लिखें तो उसे कहते हैं स्थैतिक। स्टैटिक डिवाइस क्यों होता है? क्योंकि ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है। आगे जब आप पढ़ेंगे तो डीसी मोटर पढ़ेंगे, डीसी जनरेटर पढ़ेंगे, अल्टरनेटर, सिंक्रोनस मोटर, थ्री फेज इंडक्शन मोटर, इन सारे जितने भी मोटर और जनरेटर होते हैं हम उन्हें स्टैटिक नहीं बोलते। बट अगर ट्रांसफार्मर की बात आती है तो ट्रांसफार्मर को हमेशा एक स्टैटिक डिवाइस कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि बताइए कौन कौन सी डिवाइस स्टैटिक होती है। आपको चार ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें ट्रांसफार्मर टिक करना रहता है, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि स्टैटिक डिवाइस क्यों होता है, क्योंकि इसमें कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है। दूसरी चीज, ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी। इफिशियंसी को किससे प्रदर्शित करते हैं? ईटा से। ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी जो होती है यानी ईटा, बहुत ही हाई होता है। जितने भी मोटर जनरेटर होते हैं उनकी कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा हाई इफिशियंसी जो होती है वो ट्रांसफार्मर की होती है। कितनी होती है? अगर हम आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करेंगे, इस तरह से ट्रांसफार्मर लिखा जाता है, इसे शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखने का तरीका है। आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करेंगे तो 92-95%। और अगर प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की बात करेंगे तो 85-90%, ठीक है। क्वेश्चन में आपके आईटी एग्जाम में आएगा कि बताइए आइडियल ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कितनी होती है। बताइए आप प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कितनी होती है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, किसने खोज की थी ट्रांसफार्मर की, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। तो हम आपको बता रहे थे कि ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी सबसे हाई होती है।
आइडियल ट्रांसफार्मर की 90-95% होती है और प्रैक्टिकल की 85-90% होती है। क्यों हाई होती है ये भी क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें लॉसेस जो होते हैं वो कम से कम होते हैं, ये रोटेट नहीं करता है, रोटेट ना करने के कारण विंडर्स लॉसेस नहीं होता है, कोई भी रोटेटिंग लॉसेज नहीं होता है, स्ट्रे लॉसेज नहीं होते। सिर्फ इसमें क्या लॉसेज होता है, एक ईडी करंट लॉस होता है और एक हिस्टेरेसिस लॉस होता है। आगे हम आपको बताएंगे कि ईडी करंट लॉस क्या होता है, हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है। आज अभी सिर्फ आप नाम जान लीजिए, इसमें दो तरह के लॉस होते हैं, एक ईडी करंट लॉस होता है और एक हिस्टेरेसिस लॉस होता है, ठीक है। इसलिए लॉसेज बहुत ही मिनिमम होते हैं, मिनिमम होने के कारण अच्छा हम अच्छा से अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल यूज़ करके हम हिस्टेरेसिस लॉस को भी कम कर सकते हैं। जितना अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल यूज़ करेंगे उतना ही हमारा हिस्टेरेसिस लॉस कम होगा। तो इसलिए हम ये बात कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर की इफ़िशियंसीज होती हैं एज अ कंपेरिजन जितने भी मोटर जनरेटर आप आगे पढ़ेंगे उनमें सबसे हाई होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेशन मतलब कि कितना हम सेंड किए और कितना रिसीव किए, उसमें जो वोल्टेज का रेगुलेट हुआ यानी कम या ज़्यादा हुआ वो बहुत ही बेटर होता है किसका, ट्रांसफार्मर का, ठीक है। तो वोल्टेज रेगुलेशन बेटर होता है ट्रांसफार्मर का। ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या होता है। एक बार हम सारी चीज़ों को फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। 1930 में ट्रांसफार्मर की खोज माइकल फैराडे ने की थी। ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है, अच्छा ट्रांसफार्मर जो होता है वो एक स्टैटिक डिवाइस होता है क्योंकि इसमें कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है। इसकी एफिशिएंसी बहुत ही हाई होती है, क्यों, क्योंकि इसमें जो लॉसेज जो होते हैं वो कम होते हैं, रोटेटिंग पार्ट ना होने के कारण ये घूमता नहीं है तो विंटर लॉसेज कम होते हैं, स्ट्रे लॉसेज नहीं होते। जिस रीज़न से हम कहते हैं कि लॉसेस कम हो रहे तो इफिशियंसी हमारी अच्छी होगी। वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा होता है, वोल्टेज फ्लक्चुएट करता है, अप और डाउन करता है, ज़्यादा कम होता है तो भी ट्रांसफार्मर जो होता है वो मेंटेन कर लेता है, ठीक है। एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि ट्रांसफार्मर करता क्या है। ट्रांसफार्मर जो होता है वो एक स्टैटिक डिवाइस है जैसा मैंने आपको ऊपर बताया, और ट्रांसफार्मर करंट और वोल्टेज का ट्रांसफॉर्म करता है। क्या करता है, करंट और वोल्टेज का ट्रांसफॉर्म करता है, पावर को ट्रांसफर करता है। दोनों में बहुत फर्क है समझिएगा, पावर को ट्रांसफर करता है और फ्रीक्वेंसी, इसमें फ्रीक्वेंसी जो होती है वो कांस्टेंट रहती है, ना ट्रांसफर होती है ना ये बदलती है, हमेशा कांस्टेंट रहती है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर का काम क्या है, करंट को और वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म करना, पावर को ट्रांसफर करना और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखना। मतलब ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है जो करंट और वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म करती है, पावर को ट्रांसफर करती है, यानी करंट और वोल्टेज को कुछ नहीं करता, वो सिर्फ पावर को ट्रांसफर करता है। अभी कंस्ट्रक्शन बताएंगे तो हम आपको बताएंगे कि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में किस तरह पावर ट्रांसफर होती है, और इन सारी चीज़ों के बीच में हमारी फ्रिक्वेंसी जो होती है वो हमेशा कॉन्स्टेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक ये था आपका इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन। ध्यान से देखिएगा कि कंस्ट्रक्शन हमारा ट्रांसफार्मर का कैसा होता है, ठीक है। ये एक ट्रांसफार्मर है,
इसमें ये बना हुआ है, इसमें कई सारी पट्टियां होती हैं। देखिए ये कई सारी पट्टियों से मिलकर बना होता है। ये जो आप पतली पतली पट्टियां दिख रहे हैं ना, ये बनी किसकी होती है? सिलिकॉन स्टील की। इसमें ये पतली पतली पट्टियां मिलकर बनी होती हैं। ये इन पत्तियों इन पट्टियों की मोटाई जो होती है वो हम लेते हैं 0.35 mm से लेकर के 0.5 mm तक। पूछा जाता है क्वेश्चन ये भी कि बताइए पट्टियों की मोटाई कितनी होती है। इन पट्टियों की मोटाई 0.35 mm से 0.5 mm तक होती है। ये बनी किसकी होती है? सिलिकॉन स्टील की। सिलिकॉन लॉसेस हम आपको बाद में पढ़ाएंगे, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा बताते जा रहे हैं। सिलिकॉन स्टील की इसलिए बनाई जाती है ताकि हम ईडी करंट लॉस को कम कर सकें। उसके बाद ये जो इस ये कोर होता है, ठीक है, इसको हम पूरा टोटल मिला के क्या कहेंगे? कोर। कोर का काम क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स को रास्ता प्रदान करना और ट्रांसफार्मर को सपोर्ट करना। इतनी बड़ी उसकी बॉडी है, उसको बाहरी सपोर्ट चाहिए ना, तो इसका काम क्या होगा? ये एक मैग्नेटिक फ्लक्स को रास्ता प्रदान करेगा और ट्रांसफार्मर को मैग्नेटिकली सपोर्ट भी करेगा, ठीक है, क्योंकि इसी की वजह से ट्रांसफार्मर पूरा कवर रहता है। अब कोर के जिस भाग पे बाइंडिंग की जाती है उसे हम लिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर के यहाँ पे हम बाइंडिंग करेंगे और यहाँ पे बाइंडिंग करेंगे, तो कोर के जिस भाग पे बाइंडिंग की जाती है उसे लिंब कहते हैं। मतलब हमारा ये पोर्शन जो हुआ वो लिंब हो गया। देखिए अभी हम बाइंडिंग कर रहे हैं, ये है हमारा, ठीक। अगर हम इसे रफ कर देते हैं, ये तो इसका इंटरनल कंस्ट्रक्शन हो गया। अगर बाहर से आप देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम कोर के जिस भाग पे बाइंडिंग करेंगे उसे लिंब कहेंगे। मतलब ये भाग और ये भाग हमारा लिंब हो गया, हमने बाइंडिंग कर दी। अब देखिए बाइंडिंग भी जो होती है वो दो टाइप की होती है। एक हो गया हमारा सैंडविच टाइप बाइंडिंग और एक हो गया हमारा कंसेंट्रिक बाइंडिंग, ठीक है। बाइंडिंग कितने प्रकार की हुई? दो प्रकार की। कौन कौन सी? एक हो गया हमारा सैंडविच टाइप बाइंडिंग और दूसरा हो गया कंसेंट्रिक बाइंडिंग। कंसेंट्रिक बाइंडिंग कैसी होती है? जब हम इस तरह से बाइंडिंग करते हैं यानी सिर्फ एलवी साइड पे, तो इसे हम क्या कहते हैं? कंसेंट्रिक बाइंडिंग। जब हम एलवी साइड पे यानी एलवी मतलब लो वोल्टेज साइड, जब हम लो वोल्टेज बाइंडिंग करते हैं और इसी के ऊपर अगर हम एच हाई वोल्टेज बाइंडिंग भी कर देते हैं इस तरह से, तो हम इसको कहते हैं हाई वोल्टेज बाइंडिंग और ये हो गई हमारी लो वोल्टेज बाइंडिंग, तो उसको हम कहेंगे सैंडविच टाइप बाइंडिंग। मतलब एक में मिला करके किया जाए तो उसे सैंडविच टाइप कहेंगे और सिर्फ अगर लो वोल्टेज की बाइंडिंग किया जाएगा तो उसे कंसेंट्रिक बाइंडिंग कहेंगे। वो हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से करते हैं, आगे आप इस चीज़ को अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमने बाइंडिंग कर दी है। जब हमारा ट्रांसफार्मर बनाया जाता है तो किसी को नहीं पता होता है कि प्राइमरी साइड कौन सा है और सेकेंडरी साइड कौन सा है। वो हमें क्या पता? उस समय हम एच वी बाइंडिंग और एल वी बाइंडिंग करते हैं, ठीक है। तो अब बात ये कि कैसे पता चलेगा कि एच वी बाइंडिंग कौन सी है और एल वी बाइंडिंग कौन सी है? जिधर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते हैं, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो चार है, ज़्यादा है, मतलब ये साइड जो है वो एच वी बाइंडिंग है। एच वी बाइंडिंग मतलब हाई वोल्टेज बाइंडिंग।
इस साइड में नंबर ऑफ टर्म्स कम है, टर्म्स जो होता है यानी फेरों की संख्या जो है वो कम है, तो इसे हम कहेंगे एलवी साइड यानी कि लो वोल्टेज वाइंडिंग। इसे हम क्या कहेंगे? लो वोल्टेज वाइंडिंग। अब ट्रांसफार्मर हमारा बन के तैयार हो गया, ठीक है। जब ट्रांसफार्मर हमारा तैयार हुआ तो हमें प्राइमरी और सेकेंडरी डिसाइड करना है कि कौन सी प्राइमरी वाइंडिंग है, कौन सी सेकेंडरी वाइंडिंग है। कैसे डिसाइड करेंगे? जिस साइड हम सोर्स को कनेक्ट करेंगे, ट्रांसफार्मर हमेशा एसी पे वर्क करता है, जिस साइड हम सोर्स को कनेक्ट करेंगे वो साइड हमारा प्राइमरी साइड होगा यानी प्राइमरी वाइंडिंग होगा, और जिस साइड हम लोड को कनेक्ट करेंगे, इधर हमारा लोड कनेक्ट होगा, वो क्या होगा? हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग होगा, ठीक है। ये हमारी कौन सी वाइंडिंग हो गई? सेकेंडरी वाइंडिंग। तो जिस साइड हमने सोर्स को कनेक्ट किया वो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग, और जिस साइड हमने लोड को कनेक्ट किया वो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई। अब ट्रांसफार्मर वर्क कराना है हमें, किस तरह से वर्क कराएंगे? जो प्राइमरी का वोल्ट, जो प्राइमरी का टर्न्स है उसे एनपी कहेंगे यानी ना प्राइमरी का टर्न्स, जो सेकेंडरी का टर्न्स है उसे एनएस कहेंगे यानी सेकेंडरी का टर्न्स, जो हमारी प्राइमरी की वोल्टेज है उसे हम V1 कहेंगे, वीपी कह लीजिए आप, चाहे V1 कह लीजिए, उसे क्या फर्क पड़ता है। जो हमारा सेकेंडरी का टर्न्स है उसे हम VS कहेंगे यानी सेकेंडरी का वोल्टेज, जो हमारा EMF प्राइमरी का है उसे हम EP कहेंगे, और जो हमारा सेकेंडरी का वोल्टेज है उसे हम ES कहेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स हैं जिन्हें हम रास्ता प्रदान कर रहे हैं। अगर यही फ्लक्स प्राइमरी साइड से सेकेंडरी साइड की ओर जाते हैं तभी हम कहते हैं कि पावर का ट्रांसफर हो रहा है। तो ये हमारे क्या होंगे? फ्लक्सेज हो गए। बस इतना ही जानिए, इसके आगे वर्किंग में हम आपको समझाएंगे, आज सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन बता रहे हैं। मैंने आपको बताया कि ये ट्रांसफार्मर है, इसकी पतली पतली पट्टियों से मिलकर बना हुआ है। ये पट्टियाँ जो होती हैं वो सिलिकॉन स्टील की बनी होती हैं, इनकी मोटाई 0.35 mm से 0.5 mm तक होती है। कोर के जिस भाग पे हम वाइंडिंग कहते हैं उसे वाइंडिंग करते हैं उसे लिंब कहते हैं। हमने यहाँ पे वाइंडिंग की और यहाँ पे वाइंडिंग की, तो ये हमारा प्राइमरी हो गया और ये हमारा सेकेंडरी हो गया, सॉरी हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज। जिधर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे वो हमारा हाई वोल्टेज वाइंडिंग, जिधर कम होंगे वो लो वोल्टेज वाइंडिंग होगी। जिधर हम सोर्स को कनेक्ट करेंगे, क्वेश्चन आपसे कोई पूछे कि बताइए प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग कैसे डिसाइड करते हैं, तो आप बोलेंगे जिधर हम सोर्स को कनेक्ट करते हैं वो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग होती है, और जिधर हम लोड को कनेक्ट करते हैं वो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, ठीक है। ये आपका कंस्ट्रक्शन था। अब देखिए ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा स्टेप अप और दूसरा होता है हमारा स्टेप डाउन, ठीक है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं? जिसमें प्राइमरी साइड में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होते हैं। प्राइमरी साइड में अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे तो वो हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा यानी वो वोल्टेज को बढ़ाएगा, ठीक है। अभी हम यूजर्स भी आपको बताएंगे, यूजर में बताएंगे कि वोल्टेज कैसे बढ़ाया जाता है। स्टेप अप मतलब वोल्टेज को बढ़ा देना, वो क्या करेगा? वोल्टेज को बढ़ाएगा, तो उसमें प्राइमरी में जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो ज़्यादा होंगे और सेकेंडरी में कम होंगे। जब स्टेप डाउन की बात करेंगे तो इसका जस्ट अपोजिट होता है हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब देखिए, अब हमें पढ़ना है कि ट्रांसफार्मर के यूजेस क्या क्या है, आखिर हम ट्रांसफार्मर का यूज कहाँ पे करते हैं, क्यों हम इसकी स्टडी करते हैं। हमारा पावर सिस्टम बहुत ही स्ट्रॉन्ग है लेकिन हम 11 केवी से ज़्यादा जनरेशन नहीं कर पाते। जो भी हमारे पावर प्लांट हैं वो मैक्सिमम 11 केवी का ही जनरेशन करते हैं, लेकिन हमें ट्रांसमिशन
हम जो पावर हाउस पे जो बिजली बनती है उसे सब स्टेशन तक पहुंचाना और सब स्टेशन से घरों तक पहुंचना, इन सारी चीज़ों कितने पे करते हैं? 7 मैक्सिमम, अगर इंडिया की बात करें और मैक्सिमम हम बात करें तो 765 केवी पे भी ट्रांसमिशन हो रहा है इस टाइम तक, और जनरेशन हम कितने का कह रहे हैं? मात्र 11 केवी का। इस हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट करने के हमें कई सारे फायदे हैं। हमारी इफिशेंसी अच्छी होगी, लॉसेस कम होगा, वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा होगा, करंट हम वोल्टेज हमारी अच्छी रहेगी। आपको पता है कि पहले के टाइम में वोल्टेज बहुत ही फ्लक्चुएट करता था, फ्यूज़ बहुत ज़्यादा होते थे, हमेशा वोल्टेज डाउन ही रहता था, लेकिन अब की कंडीशन वैसी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पावर सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया गया है, हम हर दिन ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज पर ट्रांसमिशन कर रहे हैं। तो अगर हमारा ट्रांसमिशन ज़्यादा होगा तो हमारे घर में वोल्टेजेस भी अच्छे आते हैं, क्योंकि लॉसेस कम होते हैं। ठीक है, तो हम आपको बता रहे थे कि हम मैक्सिमम 11 केवी का जनरेशन कर रहे हैं, यानी उत्पादन कितना कर रहे हैं? 11 केवी का, और ट्रांसमिशन हम 765 केवी पे कर रहे हैं। अब बात ये है कि हम इतना वोल्टेज को बढ़ाएं कैसे, हमारे सामने ये है कि हम वोल्टेज को इतना बढ़ाएं कैसे, 11 से 765 केवी करें कैसे, और हर चीज़ के अलग अलग व्यूज है। हमें घर में तो 220 और 440 वोल्ट पे ही काम हो जाएगा, लेकिन अगर हमें फैक्ट्री में देना है तो ज़्यादा देना पड़ता है, कहीं पे स्कूल वगैरह कॉलेजेस करने हैं तो कनेक्शन अलग अलग होते हैं, कमर्शियल कनेक्शन होते हैं, डोमेस्टिक का कनेक्शन अलग होता है। तो इस वोल्टेज को बढ़ाने के लिए हम इस टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जहाँ पे हमें वोल्टेज को बढ़ाना है, जहाँ हमें वोल्टेज ज़्यादा चाहिए होगा वहाँ पे हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज़ करेंगे, और जहाँ पे हमें कम वोल्टेज चाहिए, अब 11 के भी जनरेट हो रहा है, 11 के भी अगर हम घर में भेज देंगे तो आज पूरा ब्लास्ट हो जाएगा, ब्लास्ट के पता नहीं क्या हो जाएगा। 11 के वी पे तो शरीर जलने लगती है, अगर कोई टच में आ जाए तो शरीर जलती है एकदम, तो इतना तो हम नहीं भेज सकते ना, हमें इसको डाउन करना है। कितने पे करना है? 220 वोल्ट पे करना है, और थ्री फेज अगर है कमर्शियल कनेक्शन है तो 415 वोल्ट पे करना है। तो वोल्टेज को यहाँ पे हमें कम करने की ज़रूरत है, तभी हम घरों में इसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो सबसे पहला यूज़ कि पावर सिस्टम में जहाँ जब हम वोल्टेज को ट्रांसमिट करते हैं, उत्पादन करने के बाद जब उसे भेजना होता है, हमें ट्रांसमिशन करना होता है, तो वोल्टेज को घटाने और बढ़ाने की ज़रूरत होती है। इस वोल्टेज को घटाता और बढ़ाता कौन है? हमारा ट्रांसफार्मर बढ़ाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जितनी भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, आप लोग फर्स्ट ईयर में थोड़ी सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से इंट्रोड्यूस जरूर होंगे, SCR होता है और डैक होता है, ट्रैक होता है, इन सारी चीज़ों के ट्रिगनिंग के लिए ट्रांसफार्मर का ही यूज़ किया जाता है। ट्रिगनिंग मतलब टर्न ऑन करना। ठीक है, तो अगर ट्रांसफार्मर नहीं होगा तो हम टर्न ऑन नहीं कर पाएंगे। उसी तरह इसीलिए हम SCR, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हो गए, हमारा रेडियो हो गया, TV हो गया, रिमोट हो गया, सॉकेट हो गया, मोबाइल का चार्जर हो गया, इन सारे जगहों पे ऑटो ट्रांसफार्मर यूज़ होते हैं या फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ होते हैं। मोबाइल चार्ज होता है, वो 220 घर में आ रहे हैं तो 220 पे तो हम मोबाइल चार्ज करेंगे नहीं, हमें डाउन तो करना ही है, तो उस चार्जर का जो एडाप्टर होता है उसमें भी हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का, ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं, वो डिपेंड करता है कि कितने मिली एम्पियर का यूज़ कर रहे हैं। तो इन सारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स में तो बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफार्मर का यूज़ है। सारी जगह पे वोल्टेज को हाई करने और लो करने के लिए हमें, या फिर ट्रिगनिंग करने के लिए, टर्न ऑन करने के लिए हमें ट्रांसफार्मर की ज़रूरत होती है। अब हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मोबाइल चार्जर मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन आपने अब तो उतना नहीं होता, लेकिन पहले आपने देखा होगा कि वोल्टेज अचानक से बहुत ही लो हो जाता है, फिर अचानक से बहुत ही तेज हो जाता है। तो अगर TV चल रही है उस टाइम, और TV के जो उसमें अगर ट्रांसफार्मर का यूज़ हम नहीं करेंगे तो TV वहीं पर ख़त्म हो जाएगी, ब्लास्ट हो जाएगी। क्यों?
क्योंकि वो वोल्टेज के इतने ज़्यादा लेवल को अप और डाउन होने पे यानी रेगुलेट होने पे वो मेंटेन नहीं कर पाएगा। उस रेगुलेशन को मेंटेन करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है? ट्रांसफार्मर की ज़रूरत है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आज मैंने आपको ट्रांसफार्मर का इंट्रोडक्शन दिया, ट्रांसफार्मर क्या होता है, कंस्ट्रक्शन बताया, कैसे बना होता है और उसके यूजेस क्या क्या है, इन सारी चीज़ों की स्टडी आज हम लोग ने किया। नेक्स्ट डे हम आपको ये बताएंगे कि ट्रांसफार्मर की वर्किंग क्या है, यानी जो मैंने सबसे पहले लिखा था कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये सारे प्रिंसिपल होते क्या है, ये वर्क कैसे करता है, इन सारी चीज़ों की स्टडी करेंगे। थैंक यू।